आपको एक बात बताऊं कि जब ये शो शुरू किया तब तो सोचा तो था कि अपने तजुर्बे बांटूंगा कुछ, और एक तरफ डर भी लगा, डर लगा, वो फियर की बात है। तो आज मैं अपना अपना डर बताता हूँ मुझे क्या लगा। मैंने कहा ये कुछ लोग ऐसे सोचेंगे सुभाष चंद्रा का अपना मीडिया है, टेलीविज़न है, अपनी कुछ वाहवाही करने के लिए कर रहा है, और किसी ने सोचा कि नहीं नहीं कुछ ना कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है, किसी को और कारण से कहेगा, कुछ भी कहा, तो वो फियर भी था। लेकिन बहुत कुछ सीखा है इससे, रोज़ सीखता हूँ मैं जब शो करता हूँ, तो जब बात अपनी कहता हूँ, तजुर्बा कहता हूँ, तो मेरे सामने जो सवाल पूछते हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जितनी बार भी मैंने जितना ज़्यादा गहराई से सोचा उसमें बात घूम फिर के एक जगह आ जाती है ज़िंदगी में। वो पंजाबी में कहते हैं ना, कड़िया ने कड कड़ी है, निचोड़ जिंदगी का एक ही निकला कि भूतकाल व्याकुल करे और भविष्य भरमाए। भूतकाल की बात सोचेंगे आप, अगर पुरानी बात सोचेंगे, पीछे की बात सोचेंगे, तो आपको रिग्रेट्स आएंगे ज़िंदगी में, काश मैंने ये ना किया होता, काश मैं ये बिज़नेस नहीं करके ये बिज़नेस किया होता, हाँ काश मैंने अपना सीईओ ठीक से चुना होता, यानी बला बला कुछ ना कुछ आपको रिग्रेट्स आएंगे। तो भूतकाल व्याकुल करे, ये मारवाड़ी में बोलते हैं, और या भविष्य भरमाए, भविष्य में एंग्जाइटी क्रिएट होती, व्हाट इफ इट डजंट हैपन, व्हाट इफ आई डोंट अचीव व्हाट आई एम सपोज टू अचीव, व्हाट इफ आई गेट रेडिक्यूल्ड एज समबडी सेड। तो फ्यूचर जो है, फ्यूचर की जब सोचेंगे तो एंग्जाइटी क्रिएट हो गई। तो भूतकाल व्याकुल करे और भविष्य भरमाए, वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए।